अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 लवर। मैं हूं फहीम, जीरादेई प्रखंड, जहां से भरौली पंचायत से लगातार 40 वर्षों से अपने सीट पर काबिज नगेंद्र सिंह पैतवा 45 साल के लिए जो है इन्होंने जीत दर्ज करके अपने पंचायत को 45वें साल में ले गए। क्या वजह रही, मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि बताएं जरा सा कि क्या वजह रही कि लगातार 40-45 साल ये जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व करते चले आ रहे हैं। इनका परिवार, चाहे इनके बाबू जी रहें, इनकी माता जी रहें, उसके बाद लगातार नगेंद्र सिंह रहे, पंचायत को दूसरा कुछ कहीं से कोई दिखाई नहीं देता है। आखिर और भी लोग प्रतिनिधित्व होते हैं यहाँ से, मगर जीत नगेंद्र सिंह की ही होती है। क्या वजह रहेगी चाचा, क्या नाम है आपका? जीत का मेन कारण ये है, हाँ, कि विकास का जो भी काम होता है उसमें किसी प्रकार का ये कमी नहीं रखते हैं, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसी भी, हर प्रकार का विकास में जो है ना सबसे आगे रहते हैं, हाँ। और गरीब और अमीर इनके नजर में कोई नहीं, सबको मदद करते हैं, हर चीज में ये जो है ना प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। सर, आपका मानना है कि सरकार की जितनी योजना है उसको धरातल पर उतार देते हैं? एकदम जमीन पर उतारते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज भी इनकी जीत हुई है, और इनकी जीत नहीं पूरे जनता की जीत है। जनता को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नगेंद्र सिंह ही दिखाई देते हैं। एकदम एकदम 100% 100% नगेंद्र सिंह मुखिया को ही चाहिए। सर, नगेंद्र सिंह मुखिया आज 45 वर्षों से ऐसे जीत रहे हैं,
इनका वो स्कूल है कि हर गरीब को जो चाहिए मदद करते हैं और खुल के करते हैं, चाहे उनको जो चाहिए, उनको चावल से लेके राशन से लेके उनको लकड़ी से लेके माने जो चाहिए देते हैं नगेंद्र सिंह। इसलिए हमारे सर नगेंद्र मुखिया आज 45 वर्षों से राज कर रहे हैं और सुन आज भी हम कह रहे हैं कि नगेंद्र सिंह जिस दिन तक बिहार में चुनाव होगा यही जीतेंगे। क्या लगता है, एक भाई का मानना है कि चाहे लकड़ी हो, चावल हो, जो कुछ भी हो, सारा नागेंद्र सिंह पूरा करते हैं। सरकार की सारी जो योजना है उसको धरातल पर ना उतार के सिर्फ चावल लकड़ी ही बांटते हैं? नहीं, सरकार की हर योजना को धरातल पर उतारते हुए अपने पास से भी जो मदद करना होता है वो नागेंद्र सिंह करते हैं। गरीब मतलब सरकार की तो कभी अंकुष्टी बंद हो गई है, तो वो कहाँ से देते हैं? अपने पास से देते हैं, अपने पॉकेट से देते हैं। इतने सक्षम है नागेंद्र सिंह मुखिया कि ये एक ऐसे हमारे ये पंचायत में ऐसे मुखिया हैं कि एक हर पहलू को सुलझाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये हर चीज में खड़े उतरते हैं, 100% खड़े उतरते हैं। आपके बाबूजी रहे, आपकी माता जी रही, आप खुद इस बात रहे, काफी लोगों में मतलब कि खुशी का माहौल है कि आप फिर से एक बार जीत के 45वें साल में प्रवेश कर गए, तो क्या वजह आप मानी जाए इसकी जो है? ये वजह क्या है, वो हम लोग जनता के दिल में है, जनता हम लोगों के दिल में है, यही वजह है, दूसरा क्या वजह हो सकता है? हम लोग गरीब और अमीर सभी के साथ रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके हम लोग साथ नहीं देते हैं, साथ देते आए हैं, इसलिए हम लोगों को लोग मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आप गरीबों के मसीहा हैं, मगर कुछ लोगों का मानना है कि काफ़ी टसल रही आपकी, चुनाव काफ़ी टक्कर का रहा, जीत हारते हारते जीत हासिल। टसल रहता तो 600 वोट से हम चुनाव जीतते हैं, टसल उसको कहता है कि जो 150 वोट से चुनाव जीतता है, हम 600 वोट से चुनाव जीते हैं, टसल यहाँ कहाँ था? प्रत्याशी को 600 वोटें मिला है, 800 वोटें मिला है, हम 600 से चुनाव जीते हैं। यहाँ के लोगों को मानना है कि जो भी सरकार की पंचायत की जो योजना होती है वो आप सब धरातल पर उतारते हैं और गरीब लोगों को और क्या चाहिए, सब कुछ, हर चीज़ जो है, चावल आटा, ये तो कोरोना काल की बात कर रहे थे वो, किस तरह का आपने व्यवस्था कर रखा था? हम तो हमारे तरफ से जितना अच्छा से अच्छा व्यवस्था था हमने व्यवस्था कर रखा था, कहीं कोई कमी नहीं थी, इसलिए ना हमको जनता मानती है, अगर कमी करते तो हमको जनता मानती। अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के बारे में कितना सोच रहे हैं? इस बार श्योर है कि आदर्श पंचायत हमारा बनेगा, जीरादेई ब्लॉक में फर्स्ट इसी का नाम लिख कर गया है। आदर्श क्या क्या योजना आप जो है अपने मन में बदल के रखे हैं कि हम अपने पंचायत को ये विकास करके? अभी तो मन से क्या बताएंगे, जो हमको लौकेगा बढ़िया देखने में होगा उसको सबको पूरा करेंगे। युवा इतनी टीम आपके पास अभी दिखाई दे रही है, तो युवा के लिए यूथ आइकन मतलब क्या अगर मानते हैं आप खुद जो है कि युवा दिख रहे हैं? युवा के साथ हम हैं, युवा मेरे साथ है, युवा जो क्रिकेट खेलता है चाहे कोई खेल खेलता है उसमें हम साथ देते हैं, भाग लेते हैं। सिर्फ क्रिकेट पर दे रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस आपका नहीं? एजुकेशन पर भी फोकस है मेरा, हर चीज़ पर फोकस है, कोई दिक्कत नहीं है युवा लोगों के साथ। महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रखा आपने? महिलाओं के लिए जितना हमसे संभव है सब चीज कर रखे हैं। हेल्थ यहाँ हैया है, यहाँ मिडिल स्कूल है, सब लड़कियाँ पढ़ने जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्कूल भी है हमारे पंचायत में, नया हाई स्कूल हम लोग खुलवाए, उसमें सभी लड़कियाँ पढ़ने जाती है, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं। आप स्ट्रीट लाइट मतलब लगा के जो है अपने पंचायत को जगमगाने की बात नहीं कर रहे हैं? स्ट्रीट लाइट हम अपने तरफ से लगा दिए हैं अपने पंचायत में, कहीं सरकार से एक रुपया नहीं मिला है, मैं अपने पॉकेट से स्ट्रीट लाइट हर गाँव में लगवाए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है जी जी। तो फिर आप जो है यहाँ पर अपने पंचायत में 1-2-3 बेड का एक रेफरल अस्पताल खोलने की क्यों नहीं बात? सब चीज हो गया है, अब खुलने जा रहा है। कितने बेड का? 6 बेड का। तो आप देख रहे थे कि लगातार 40 साल से अपने जो है पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नागेंद्र सिंह, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात अपनी बात को रखे कि 45वें साल में जैसे ही मैं प्रवेश किया मेरा पंचायत एक आदर्श पंचायत बनेगा, 6 बेड का रेफरल अस्पताल बनाऊंगा, इन्होंने एक वादा किया अपने पंचायत से। एजुकेशन पर काफ़ी फोकस रहा कि युवा पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इन्हीं सब बातों में काफ़ी उत्साह में रहें कि और लोगों का यहाँ का मानना है कि जब तक
यहाँ पंचायत रहेगा, नागेंद्र सिंह को हराने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के जो दिल में जबान पर जो बात रहती है वो सरकार की नहीं सुन के अपनी सुनते हैं और अपने स्तर से वो सारी चीज़ों को मुहैया कराते हैं, पूरा करते हैं। जिस तरह के मानना है, नागेंद्र सिंह ने खुद अपनी जबान से बोला कि पूरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट मैं अपनी पॉकेट से लगाए हूँ, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ों को अपने साथ मुहैया कराऊँगा। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपरमार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान।